तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर। सुबह करीब 10:45 पर भगवान राम की नगरी प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सुबह करीब 11 वो अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से अयोध्या धाम स्टेशन तक रोड शो करेंगे और पीएम मोदी यहां पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे और पीएम मोदी दोपहर करीब 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या दौरा है और 10:45 का समय जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे, उसके बाद में सीधे रेलवे स्टेशन जाएंगे और उसके बाद में एयरपोर्ट पर भी पहुंचेंगे। कई बड़ी स्वागतें आज अयोध्या को तो मिलेगी है, साथ ही रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी और इसके अलावा एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज का दिन अयोध्या के लिए बेहद खास क्योंकि कई बड़ी स्वागतें आज प्रधानमंत्री अयोध्या वासियों को देने जा रहे हैं। जगह खड़ा हूँ जिसे रामपथ कहते हैं, मैं उस जगह मौजूद हूँ जिसे भक्ति पथ कहते हैं। ये रामपथ और भक्ति पथ को जोड़ने वाला चौराहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहीं से गुजरेगा। और इस जगह की खासियत यह है कि यहीं पर प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश की जाएगी संतों के जरिए, वो संत जिन पर फूल बरसते हैं। लेकिन आज वो संत इसलिए फूल बरसाएंगे क्योंकि आज उनका मन प्रसन्न है अपने राम नगरी पर हुए विकास को देखकर, अपना रामलला का मंदिर बन जाने के कारण। और इसीलिए यहाँ पर आप ये देखिए कि पूरे इस रास्ते को खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया है। 8 किलोमीटर करीब लंबा रोड शो है ये, जिसमें प्रधानमंत्री यहीं से गुजरेंगे। और इससे पहले जो दुकानें हैं उनको भी देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज में, जो राम है जय श्री राम और श्री राम और शंख त्रिशूल तिलक से सजा दिया गया है। तो आज पूरी राम की नगरी अयोध्या ऐसी लग रही है जैसे आज उसे अपना वैभव मिल गया हो और इस वैभव में पूरी अयोध्या इठला रही है। अगर बात हम कार्यक्रम की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज यहां पर आएंगे और अपने इस दौरे पर रोड शो जनसभा के साथ एयरपोर्ट हाईवे रेल स्टेशन और रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को देने जा रहे हैं, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जो है परियोजनाओं भी खासतौर से फोकस होगा। और खास बात यह है कि 4 प्रमुख पथों का ही लोकार्पण हो रहा है, जिसमें से ये 2 पथ भी शामिल है, एक भक्ति पथ और दूसरा राम पथ। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम को स्मरणीय बनाने के लिए जगह जगह लोगों को भी यहाँ पर खड़ा किया जाएगा, लोग भी यहाँ मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे होंगे। इसके अलावा भव्य तोरण द्वार भी बनाए गए हैं और तोरण द्वार के साथ सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुतियाँ भी दी जाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अयोध्या वासी चूंकि उत्सुक हैं तो सभी अपने अपने घरों के आगे, अपनी अपने दुकानों के आगे मौजूद होंगे। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जनभावनाओं का लिहाज करना है। यहीं से प्रधानमंत्री 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो पूरी अयोध्या सज गई है, संवर गई है और इंतजार है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जब वो यहाँ पर आएंगे और अयोध्या वासियों के बीच में अयोध्या वासियों का स्नेह पाते हुए गुजरेंगे और वो पल बेहद खास होने जा रहा है। तो हमारी खास रिपोर्ट आपने देखी, अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुकी है और साथ ही अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि 10:45 पर अयोध्या पहुंच जाएंगे। और ग्राउंड जीरो से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं और साथ ही उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामगोपाल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कुछ ही घंटे अब बाकी रह गए हैं जिसके बाद में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, तो ऐसे में कैसी तैयारियां हैं आपके पास, आपके आसपास तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, और इस वक्त मैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो है वो बन के एकदम तैयार है, भव्य दिव्य अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बन गया। लेकिन हमारे साथ देखिए कुछ ये वेद पाठी भी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। प्रधानमंत्री का ये लोग यहाँ पे स्वागत करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, शंखनाद करेंगे, किस तरीके से स्वागत करेंगे आप? हम सब लोग बहुत जोरदार से स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब आगमन होगा तब हम सभी लोग शंखनाद की जो है
बजाएंगे और जो है वैदिक मंत्रों से उच्चारण करते हुए उनका स्वागत करेंगे, स्वस्ति वाचन पाठ होगा और हम सब लोग बहुत सौभाग्य की बात है जो है हम सभी लोग राम जन्मभूमि जो है यहाँ दर्शन करते हैं। दर्शन करने आए, खुश हैं आज? जी बहुत खुश हैं हम। कितना बदल गया अयोध्या भाई? पूरी अयोध्या नहीं हो गई है। नहीं हो गई? हाँ बदल गई अयोध्या। जी बदल गई। तो ये वो वेद पाठी हैं जो आज प्रधानमंत्री का यहाँ पे स्वागत करेंगे। अगर मैं ये रेलवे स्टेशन दिखाऊं, यहाँ से चूंकि अब सुरक्षा कारणों से एसपीजी ने उधर जाना बैन कर दिया है, तो ये जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन की भव्यता और दिव्यता को सिर्फ आप तस्वीरों में देख के तो वहां से आनंदित हो ही रहे, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद एकदम अलग छटा ही नजर आ रही है। कल जब हम लोगों ने रेल मंत्री से बात की, अश्विनी पेशोर जी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन के तहत देश में जो अब रेल यात्री हैं उनके अनुभव को बदल दिया जाएगा। 2030 तक देश में कई रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे इसी तरीके से जो 5-स्टार होटल की तरह रहेंगे, ऐसे साफ सुथरे रहेंगे वो रहेंगे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री आज दो और खास तोहफा देने जा रहे हैं, देश को 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन की सौगात देंगे। अयोध्या वासियों को उनमें से एक वंदे भारत ट्रेन जो अयोध्या धाम से चलेगी वो आनंद विहार तक जाएगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ट्रेन चलेगी, वो है अमृत भारत ट्रेन। ये देश में पहली बार चलने जा रही है, इसमें कुल 22 डिब्बे होंगे। ये पुलपुस तकनीक से इस ट्रेन को यहां से चलाया जाएगा। पुलपुस तकनीक मतलब रेलवे में 2 इंजन लगे होंगे, आगे का इंजन भी चलेगा और पीछे का इंजन भी उसको पुश करेगा। और इसी के साथ जो सुविधाएं होंगी वो सुविधाएं अत्याधुनिक होंगे, उसमें सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों को एक अलग अनुभव होगा। जी तो देखिए, हर एक वर्ग के लिए यहां पर ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हवाई जो सफर है वो भी अब पहले से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि हर एक वर्ग के इंसान के लिए अब अयोध्या जाना बेहद आसान होने वाला है। ऋषभ मणि के पास में चलते हैं। ऋषभ मणि, तस्वीरें काफी ज्यादा भव्य हैं और तस्वीरों को देखकर लगता है कि आज कलयुग में एक बार फिर से त्रेता की झलक देखने को मिलेगी। आपके आसपास कैसी तस्वीरें? खुशी है तो हमें अच्छा भी लग रहा है कि हम उनका स्वागत करने के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अच्छा भी लग रहा है और हम बहुत उत्साहित हैं। कब आएंगे, कब आएंगे और हम कब उनका वेलकम करेंगे। और जी जी जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब परफॉर्मेंस जारी है। कुछ सेकंड्स के लिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कुछ देर पहले इनका ढेड़िया लोक नृत्य पेश कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। ये प्रयागराज का ट्रूप है जो यहाँ पर आया हुआ है और आप देख सकते हैं जगह जगह इस तरह की परफॉर्मेंसेस चल रही है। देश के अलग अलग कोनों से कलाकार आए हुए हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। भीषण ठंड के बावजूद आप देख सकते हैं जैसी कलरफुल अयोध्या आज दिख रही है, वैसी ही रंग बिरंगी पोशाकों में जो पारंपरिक इनका नृत्य है उसको पेश किया जा रहा है। प्रयागराज से ये ट्रूप आया हुआ, हम इनसे बात भी कर लेते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत खुशी हो रही है, सौभाग्य है हम सभी का कि हम सब यहाँ पर आए हैं। हम सभी कलाकार, लगभग मेरे ख्याल से 300 से 400 कलाकार आज अयोध्या की पावन धरती पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हैं। तो इतनी ठंड है, आपको महसूस नहीं हो रही है? नहीं, हमें ठंड तो महसूस नहीं हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हुए पीएम मोदी जी के स्वागत के लिए। और हम बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हम इस फील्ड में हैं। तो आप देख सकते हैं जो धार्मिक नगरी अयोध्या है उसको कैसे विश्व के पर्यटन मानचित्र पर ले जाने की तैयारी हो रही है, लिहाजा कोई भी कोर कसर उठाए रखना नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार। और यहाँ पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। तस्वीरें आपके आसपास, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना है, जैसा कि ऋषभ मणि तस्वीरें दिखा रहे थे। उपेंद्र के पास में चलते हैं। उपेंद्र, आपके आसपास कैसी तस्वीरें हैं? आप इस वक्त अयोध्या में कहां पर मौजूद हैं और साथ ही ये भी बताइए कि सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त राम पथ और भक्ति पथ के बीच में हूं और ये वो 4 पथ हैं जिनकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को सौगात देंगे और उन्हीं पथों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को देखेंगे। वो अयोध्या जो प्रधानमंत्री के संकल्प में थी, वो अयोध्या जो अब सिद्धि में बदल गई है। संकल्प सिद्धि क्या होती है वो प्रधानमंत्री आज देखेंगे, अपने ही संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए। भव्य देखिए नजारा है, त्रेता युग की अयोध्या लग रही है, फूलों से सजी है अयोध्या, भाव से सजी है अयोध्या।
ये तो आपको सजावट दिख रही है, दुकानों में भी देखिए लोगों ने कैसे आज अपनी अयोध्या को, अपने आंगन को आज राम के लिए सजाया है। ये देखिए इतनी खूबसूरत दुकानों का आप अंदाज देखिए, और यहाँ पर आरएएफ तैनात हो गई है, महिला एटीएस कमांडो तैनात हो गए हैं, 16,000 पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं, और इसके अलावा एटीएस, आरएएफ और जो अन्य अर्धसैनिक बल है उनको तैयार किया गया है। खास बात आज देखिए, मन आंखें आज जो है ना, कहते हैं नहीं कि एक जब आंखों को एक नजारा इतना भाए कि आंखें भी जब ये कह दे कि इससे और भी बहुत कुछ है। ये देखिए, मैं आज मेरे पास शब्द नहीं है, मैंने इस अयोध्या को देखा है, रामलला को टेंट में देखा है, और आज इस अयोध्या को जब मैं देख रहा हूँ, राम पथ भक्ति पथ को देख रहा हूँ, तो यकीन मानिए मैं ही नहीं, यहाँ पर सभी का दिल, अयोध्या का दिल बल्लियों उछल रहा है। ये देखिए सूर्यवंशी लाइट, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, मैं कैमरा कहूँगा फोकस करें कि सूर्यवंशी लाइटें हैं, और जब रात में जगाएंगी तो आपको ये सूर्यवंश का वैभव, सूर्यवंश का ये गौरव नजर आएगा, और इसीलिए अयोध्या इटला रही है। अयोध्या के इटलाने की कई वजह है, ये खूबसूरत पावन पथ फूलों से, मैंने कहा ना कि फूलों से सजावट है, घड़ियों से सजावट है, लेकिन आज तो सजावट भाव से है, ये भाव सजे हैं उस भाव के लिए, जो भाव प्रधानमंत्री के मन में संकल्प के रूप में था जब अयोध्या के विकास की बुनियाद रखी गई थी, आज वो भाव सिद्धि के रूप में है जब अयोध्या ने अपना वो भव्य दिव्य स्वरूप पा लिया है, और इसीलिए आज अयोध्या सज गई है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी संकल्प पथ पर, इसी पथ पर, भक्ति पथ पर, ये मेरे बगल में यहाँ पर हनुमानगढ़ी मौजूद है, जहाँ पर न जाने कितने वर्षों से लोग आ रहे थे, लेकिन आज जब आ रहे हैं तो उनको पूरी अयोध्या बदली नजर आ रही है, क्योंकि ये अयोध्या तो वो है जो मैंने आपने बचपन में रामायण में पढ़ी थी, यह अयोध्या वो है जो हमने तुलसी से सुनी थी, यह अयोध्या वो है जो हमने वाल्मीकि से सुनी थी, आज उसी लव को बिल्कुल, और एक लंबा संघर्ष, और उसके बाद में अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अयोध्या की, वो बहुत बदल चुकी है, अयोध्या बदल चुकी है, और जिसका इंतजार था सभी को बेसब्री से, जो एक संघर्ष था वो पूरा हो चुका है, और आज अयोध्या वैसी ही नजर आ रही है जैसे कि हमने रामायण में देखी थी। आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और यहां की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी दिशा में नवनिर्मित एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करूंगा। इसके साथ ही कई और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य मिलेगा, जिनसे अयोध्या और यूपी सहित देश के कई क्षेत्रों के मेरे परिवारजनों का जीवन आसान होगा। अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज श्री अयोध्या धाम में विकास के नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट करके ये जानकारी साझा की गई है। पीएम मोदी आज अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से वे सीधे रोड शो के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका रोड शो NH-27 से धर्मपथ, लता चौक, रामपथ, टेढ़ी बाजार और साथ ही मुहावरा बाजार होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। यहां पर रोड शो के दौरान ही वह रामलला दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। यहां पर वह अमृत भारत वंदे और साथ ही वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट के बगल में बने मैदान में जनता को संबोधित करेंगे और यहीं से वह जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अयोध्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सौगात मिलने जा रही है वो क्या है। तो दिल्ली से अयोध्या के बीच में पहली उड़ान 6 जनवरी से दिल्ली
अयोध्या के बीच में कमर्शियल उड़ान शुरू होगी। दिल्ली से सुबह 11:55 पर टेक ऑफ होगी और दोपहर 1 बजे अयोध्या में लैंडिंग होगी। दोपहर 1:45 पर अयोध्या से टेक ऑफ और उसके बाद भी दोपहर 3 बजे दिल्ली में लैंडिंग होगी। 1.25 घंटे में तय होगी दिल्ली से लेकर अयोध्या की दूरी, जहां पर पहुंचने में पहले काफी वक्त लगता था क्योंकि एयर कनेक्टिविटी सिर्फ लखनऊ तक थी, लेकिन अब दिल्ली से लेकर अयोध्या तक सीधी फ्लाइट आपको मिल पाएगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं अयोध्या एयरपोर्ट की क्या खासियत है। तो अयोध्या के रनवे पर Cat-1 लाइटिंग है, अंधेरे और धुंध में भी आसानी से लैंडिंग हो सकेगी। 2200 मीटर लंबा और साथ ही 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा और बोइंग 737 एयरबस और साथ ही 3189 एयरबस होंगे। 320 जो जहाज है वो लैंड कर सकेंगे और भविष्य में 3750 मीटर तक रनवे को बढ़ाया जाएगा, यानी कि अभी शुरुआत पहले चरण से होगी और उसके बाद में कई चरण में जो एयरपोर्ट है उसका विकास कार्य आगे भी चलता रहेगा। तो लगातार देखिए तैयारियां जोरों पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या धाम जंक्शन पर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन पहुंच चुकी है। इसके साथ ही अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित बिल्डिंग का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में बने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड क्लास सुविधा के साथ में बने इस एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम रखा गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट समेत हर चौक चौराहे को सजाया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। अब फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर जो दोनों ट्रेनें हैं वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन वो पहुंच चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहीं पहुंचेंगे और उसके बाद में हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। तो जो लोग बाय फ्लाइट नहीं जा सकते उनके लिए रेल की सुविधा जो है वो शुरू की गई है और वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन की अगर बात की जाए तो इसकी खासियत है कि कम समय में जो दूरी है वो तय करती है और साथ ही कई सुविधाओं से लैस होती है। तो ऐसे में अब दिल्ली से लेकर अयोध्या तक का सफर बाय ट्रेन भी काफी ज्यादा आसान होने वाला है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट धाम एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई। एयरपोर्ट की बिल्डिंग दीवार पर भगवान राम के जीवन काल के ऐतिहासिक क्षण की तस्वीरों को उकेरा गया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने फेसबुक पर पोस्ट किया। आज पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, इस एयरपोर्ट को भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि भगवान श्री राम के हर एक महत्वपूर्ण जीवन की जो झलक है वो तस्वीरों के जरिए इस एयरपोर्ट में दिखाई गई है। तो श्री राम के जीवन काल को इस तरह से उकेरा गया है कि जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप अयोध्या पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर लता मंगेशकर चौक को फूलों से सजाया गया है। सीएम योगी जब यहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपनी सेल्फी भी ली और इस दौरान उनके साथ में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे और यहां पर इतनी भव्य तैयारियां की गई थी कि मुख्यमंत्री भी खुद को सेल्फी लेने से नहीं रोक पाए और यहां पर उनके साथ में मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कल की तस्वीरें हैं। तो पीएम के दौरे से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच गए थे ताकि कोई भी व्यवस्थाओं में कमी ना रह पाए और एक एक कर हर एक तैयारी का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे।